नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे EPS 95 पेंशनरों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला आया है। जी दोस्तों, EPFO के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत अच्छा है। आप सभी को पेंशन 5,000 रुपये से लेकर के पेंशन 9,000 रुपये तक मिलेगी। इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, साथ ही में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ में ताकि हर एक भाई तक ये वीडियो पहुंच पाए। और कमेंट, आपकी राय क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही में दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों के लिए हमेशा अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को आप चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन उससे पहले EPFO ने भी एक छोटा सा आदेश जारी करके बताया कि EPS 95 पेंशनर जिस जो भी इस पेंशन योजना में आते हैं उन सभी को जिनको 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है उनको पेंशन 3,000 रुपये मिलेगी। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद में जो फैसला आया था वो जाहिर करके बताया कि अब EPS 95 पेंशनरों को पेंशन 7,500 प्लस DA सीधा तो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन इनके योगदान के अनुसार पेंशन 5,000 रुपये भी मिलेगी और इसके साथ में पेंशन 7,500 और पेंशन 9,000 रुपये भी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, हमेशा आपके लिए EPS 95 पेंशनरों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हमेशा सही और सटीक जानकारी हम आपके साथ में साझा करते रहते हैं। और EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन का ये जो आखिरी और फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश अपने पास रखा, जारी नहीं किया गया, लेकिन इसमें एक छोटा सा आदेश जारी करके और मैसेज पहुंचा करके एक्सपर्ट और मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि अब EPS 95 पेंशनरों को पेंशन है वो पेस्ट दिसंबर तक आपको मिल जाएगी। पेस्ट दिसंबर की आपको इंतज़ार करना होगा, उस दिन से आपको पता चलेगा कि कितने रुपए किन किन लोगों को मिलने वाला है, किस किस सेक्टर से ये पेंशन होने वाली है डिक्लेयर। और EPS 95 पेंशनरों के लिए EPFO की तरफ से जो ये आदेश आया कि 1,000 रुपये की बजाय आपको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, इस नियम को क्या लागू करेंगे 1 दिसंबर से या फिर नहीं, ये भी आपको 1 दिसंबर को पता चल जाएगा। पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी हमेशा हमारे इस चैनल पर, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब एक बार ही करना है, बार बार सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।